प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 2 शुरू करेंगे और सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे। चैप्टर 1 है फर्स्ट डे एट स्कूल। पहला प्रश्न है, नेम द थिंग्स दैट यू सी इन योर स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें कुछ शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि डस्टर, टेबल, चेयर, शॉप, बुक, टीचर, स्टूडेंट, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, ग्रैंडमदर, रूम्स, ट्री, ब्लैक बोर्ड। तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं उन्हें हमें इन पिक्चर के आसपास लिखनी है। जैसे कि डस्टर, डस्टर हम देखते हैं स्कूल में, यस, तो हमने डस्टर लिखा। टेबल, चेयर, बुक, टीचर, स्टूडेंट, प्लेग्राउंड, रूम, ब्लैक बोर्ड, तो ये सब चीज़ें हम स्कूल में देखते हैं इसलिए हमने इधर लिखा, ठीक है ना। आओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे 5 वर्ड्स हैं, हैप्पी, टीथ, बिफोर, ट्रेन ट्रेन, मास्क। मीनिंग देखते हैं, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना, टीथ, दांत, बिफोर पहले, ट्रेन ट्रेन साउंड है, मास्क जो हम आजकल पहनते हैं, मास्क घर से निकलने से पहले। तो पहला सेंटेंस है, डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। अब यहाँ पे क्या आया, बिफोर, मैंने लिख दिए हैं, बस हम पढ़ते हैं एक बार इनको। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, मतलब खाना खाने से पहले मैं अपना हाथ धोता हूँ, ठीक है। हैप्पी नहीं आएगा इधर, टीथ भी नहीं आएगा, ट्रिन ट्रिन भी नहीं आएगा और मास्क भी नहीं आएगा। क्या आएगा, सही शब्द क्या है, बिफोर, क्योंकि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। वैसे तो हमें खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, पर यहाँ पर आफ्टर नहीं है तो हमने बिफोर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस, डैश इज़ द साउंड ऑफ माई स्कूल बेल। अब यहाँ पे साउंड की बात हुई है, तो यहाँ पर 5 शब्दों में से एक ही शब्द ऐसा है जो साउंड है, ट्रेन ट्रेन, तो ट्रेन ट्रेन इज द साउंड ऑफ माई स्कूल बेल। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, आई फील डैश व्हेन आई गो टू स्कूल। अब इसका मतलब यह है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बहुत डैश होता हूँ, तो मैं क्या होता हूँ, खुश होता हूँ, तो हैप्पी लिखेंगे हम, ठीक है ना। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, हैप्पी हो गया, टीथ बचा है, बिफोर हो गया, ट्रेन ट्रेन हो गया, मास्क हो गया। अब हमारे पास 2 वर्ड्स बचे हैं और 2 ही सेंटेंस हैं। चौथा सेंटेंस देखो, ब्रश योर डैश एवरी डे, मतलब कि हमें हर रोज़ अपने डैश को ब्रश करना चाहिए। किसे ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को, और अपने दांतों को भी ब्रश करना चाहिए और हमें अपने बालों को भी ब्रश करना चाहिए, पर हेयर यहाँ पर नहीं है तो हम टीथ ही लिखेंगे, ठीक है, टीथ हो गया। अब 5वां सेंटेंस देखो, वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। आजकल तो यही है कि जब भी हमें बाहर जाएं तो हमें अपना मास्क ज़रूर पहने, ठीक है ना, जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहने। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर 6 पिक्चर्स हैं हमारे पास और हमें इनके नाम लिखने हैं, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। ये क्या है, हिंदी में बताओ, नाव, नाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोट। सेकंड पिक्चर देखते हैं, ये कौन क्या है, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पपी। थर्ड पिक्चर, ये कौन है, दादी, दादी को क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। ये क्या है, घंटी, घंटी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेल। ये क्या है, बर्ड, बर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, पक्षी, ठीक है ना, पक्षी कहते हैं। ये क्या है, ये बॉटल है, वाटर बॉटल, वाटर लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें से पानी पिएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, फन एक्सरसाइज पार्ट 1, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। अब यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं और हमें क्या करना है कि स्पेलिंग्स देखनी है और जो फर्स्ट लेटर है वही लिखना है, ठीक है, हमें स्पेलिंग्स आनी ज़रूरी है। तो पहला देखते हैं, क्या है ये, पेन,
पेन की स्पेलिंग बताओ, पी ई एन पेन, पर हम सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे पी, जिससे स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, तो पी लिखा। नेक्स्ट बताओ ये क्या है, ये है मेंढक। मेंढक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉग। हमें बस एफ लिखना है, फर्स्ट लेटर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया। ये क्या है, सेब। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्पल। एप्पल का हम सिर्फ ए लिखेंगे, फर्स्ट लेटर। ये क्या है, बुल। बुल को क्या कहते हैं हिंदी में, सांड। तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखेंगे बी। और उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। अब सबसे पहले ये बताओ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है सिमिलर साउंड्स वाले शब्द, मतलब साउंड जो है सेम होना चाहिए, जैसे कि बेल टेल, बुक लुक, हैट कैट, पूल कूल। अब तुम देख सकते हो कि स्पेलिंग भी मिलती जुलती है ना, सिर्फ फर्स्ट लेटर चेंज है, बाकी इसकी स्पेलिंग जो है सेम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तुम खुद भी लिख सकते हो, जैसे कि बुक में कुक भी आ सकता है ना, सी ही तो लगाना है, लेकिन सिर्फ एक शब्द लिखना है, एक ही वर्ड लिखेंगे। अब हैट के कितने सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, मैट रैट चैट पैट हैट, इतने सारे वर्ड्स हैं, बस एक लिखना है, पूल कूल। और बताओ, आप भी सोचो, कुछ अलग सा वर्ड भी आप लिख सकते हैं जो आपको समझ आता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है, कनेक्ट द फॉलोइंग डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर्स। अब ये पिक्चर है अधूरी, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको पूरा करना है। पूरा कैसे करेंगे, ये जो डॉट्स बनी हुई हैं इनको हमें कनेक्ट करना है, मिलाना है, और जो पिक्चर आएगी उसमें फिर कलर भी करना है। अब कैसे कनेक्ट करेंगे डॉट्स को, देखो हर एक डॉट के साथ एक नंबर भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, वन से करेंगे, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर। तो इसी तरीके से हम सारे ही डॉट्स को मिला देंगे 15 तक। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की पिक्चर आएगी और हमें फिर कलर भी करना है, और उसके बाद कलर करने के बाद हमें नाम भी लिखना है। नाम क्या है, क्या है ये, नाव है। नाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोट, बी ओ ए टी, बोट। ठीक है, हो गए, हमारे पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, हमने कर लिए, अब थक गए हैं तो आराम करते हैं।